जी आज हम आपसे वो कहानियां शेयर कर रहे हैं जो शायद आपके घर में होती हैं या आपके इर्द गिर्द आपको नजर आती हैं। नंद भाभी एक ऐसा रिश्ता है जो जिस रिश्ते से सबको ही एक्चुअली गुजरना पड़ता है। अगर आपके भाई हैं तो आप भी नंद होंगी। मैं अभी तक नंद बनी नहीं हूँ, मेरा एक भाई है लेकिन इंशाल्लाह एक डेढ़ महीने में बनने वाली हूँ। यू विल बी गुड। हाँ हाँ, वो मैं थोड़ी चिल वाली नंद होंगी, मुझे ऐसा लगता है। आप तीनों बहनें काफी चिल्ड आउट हैं। हाँ, ये है कि यू आर ऑक्यूपाइड एज वेल ना, बच्चे अपने टाइम ही नहीं है। सही बात है, सब घर में। हमारी अम्मी जब थी हयात ना, हमारी अम्मी थोड़ी सख्त नेचर की थी अपनी बेटियों के साथ भी, तो हमें बड़ा डर लगता था अम्मी जो है ना वो बड़ी जालिम सास ना बन जाए। तो हम उनको पहले से ही ना समझाते रहते थे, अम्मी देखिए ऐसे, क्योंकि अम्मी थोड़ा मुंह पे बोल देती थी, उनकी आदत थी। दिल की वो बुरी नहीं थी लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके साथ। और भाई भी लाडला, और भाई भी इकलौता, तो हमें बहुत डर लगता था कि हमारी भाभी का क्या। तो कभी कभार नंदे ऐसी भी होती हैं, तो लाइक मेरी नंद भी कभी होता था कि अगर कभी मेरी सास के मुंह से कुछ निकल गया, स्लिप हो गया, माए होती है ना वो सादी होती है दिल की, वो बोल देती है जो उनके दिल में होता है ना। रिश्ते जब आगे बढ़ रहे होते तो वो नहीं रखती दिल में। बहुत सारी माएं कंट्रोल कर जाती लेकिन अक्सर माएं सर्टेन एज में कंट्रोल नहीं कर पाती। तो हमारी नंद भी आके, मेरी नंद भी आके जो है मेरी सास को मोल्ड करती थी, समझाती थी। किसी भी भाभी के साथ अगर उन्होंने ज्यादती, मतलब ज्यादती का लफ्ज तो बड़ा है, थोड़ा बहुत ऐसा कर दिया, सख्ती से पेश आ गई, तो मेरी नंद थी वो चाबी घर की जो आके उनको थोड़ा सा ब्रेन वॉश करती थी कि नो आप गलत है। सो नंदे हर तरह की होती है, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। भाभियां भी हर तरह की होती है, उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं। कभी कुछ मियां से लड़ाई हो गई तो वो नंद से भी मूड छोड़ के बैठ जाती है। मैं भी ऐसे ही करती थी, मेरी मियां से लड़ाई हुई है तो मैं नंद और सास से बस बात ही नहीं करी। और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग साथ रहते थे तो वो बेचैन हो जाती थी कि निजाम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, हुआ क्या है। तो फिर वो मेरी यासर से दोस्ती कराती थी। और फिर एक पॉइंट आया होगा, उनको पता होगा कि ये बात नहीं करी, उनको पता होता था कि अगर ये मुझसे बात नहीं करिए इसका मतलब ये है कि फड्डा यासिर से है। तो वो फिर उनको बेचैनी होती थी कि हम एक घर में रह रहे हैं। मैं इसलिए बात नहीं करती थी, साफ बात है, मैं इसलिए बात नहीं करती थी कि गुस्सा बेटे का माँ पे ना उतर जाए। तो उनकी रिस्पेक्ट में नहीं कमी आनी चाहिए। मियां बीवी दोस्ती करके फिर एक हो जाते हैं, मगर जो सास बहू का रिश्ता है, नंद बाबत का रिश्ता है, बहुत क्रिटिकल, एक लाइन बड़ा इसको संभाल के लेके चलना पड़ता है। कुछ दिनों, कुछ सालों तक इसको संभाल लिया तो सारी जिंदगी संभल जाए।